भैया वो सब चीजों में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है, बैक्टीरिया भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय और गोबर और इन सब चीजों को हम उपयोग में लाने लगे। ये दरअसल एक ऐसी बहस है जिस बहस पर आदमी की भावनाएं भड़कती हैं जी, और उनको भड़का करके लोग बाग आपकी अच्छी सोच से दूर रखने के लिए आपको इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। और सरकार में बैठे आज की तारीख में बीजेपी के नुमाइंदे सो कॉल्ड जो अपने आप को कभी हिंदू कहते हैं, कभी वैदिक और सनातनी जाने क्या क्या कहते हैं, अब जिन लोगों से अगर मैं हिंदू शब्द की परिभाषा के बीच पूछ बैठूँ और उनसे कहूँ कि आपके आर्य समाज के संस्थापक 1875 में अपने सत्यार्थ प्रकाश में वो कहते हैं कि हिंदू अपने आप को नहीं कहना चाहिए, हिंदू तो एक गाली है, लेकिन आज के जो आरएसएस के वो हैं वो तो कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं। अब इन लोगों की मानसिकता पर मैं अपना दिमाग या अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि इससे दूर रहो और अपने विकास की तरफ को चलो, अपने स्कूल में बच्चों को भेजो, और तुम्हें इन चीज़ों में के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और जब तक आप इनके इस चक्कर में रहोगे तब तक अंधविश्वास और पाखंड में रहोगे। गाय एक दुधारू जानवर है, गाय को पालना, घर की आबो हवा को, और जहाँ तक है मैं गांव के परिप्रेक्ष्य से हूँ, किसान घर से हूँ, हम अपने बचपन में देखते थे कि जब भी कोई त्यौहार वगैरह आता था गाय और भैंस के गोबर को लेकर के अपने लिपाई पुताई करते थे, और उसको इसलिए करते थे क्योंकि वो टॉक्सिन्स उतने ज़्यादा नहीं है, गंदगी को अपने एक उसका एक चलन अलग था। आज वक्त बदल गया है, अब गोबर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पक्के मकान बन गए हैं, सब चीज़ें अपने सुंदर और स्वस्थ तरीके से लोग बाग जीना सीख गए हैं, और ग्लोबलाइजेशन हो गया है, संसार का हर स्थान हर कल्चर एक दूसरे के नज़दीक आ गया है, और हम उस चीज़ से जुड़ने लगे हैं तो हम इन चीज़ों को छोड़ के हमें एक विकसित देश बनाने के लिए विकसित मानसिकता की ज़रूरत है, विकसित मानसिकता के लिए विकसित एजुकेशन की ज़रूरत है, और विकसित एजुकेशन के लिए हमें अंधविश्वास और पाखंड रहित और छद्म मानसिकता को छोड़कर भारत की विश्व की बिरादरी जो कहती है कि विकास के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये इस देश का सौभाग्य है कि हाँ डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने बिना किसी द्वेष भावना के ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर व्यक्ति, हर जानवर, चल और अचल, हर एक को न्याय मिलता है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, हमारे देश के संविधान में 100 के करीब सुझाव और संशोधन हुए हैं, एक भी संशोधन को कहीं भी संविधान की मूल भावना को कहीं भी छेड़ता नहीं है। और इन लोगों ने अभी पता नहीं कितने रोज ही तो इनके धर्म के स्थान बदल जाते हैं, धर्म की मानसिकताएं बदल जाती हैं, जाने क्या क्या बदल जाता है। मैं इन सब चीज़ों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो अपने समाज को, अपने देश के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूँ, पढ़ो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, देश को ज़रूरत है स्वस्थ मानसिकता और क्रिएटिव एजुकेशन की।